2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी यात्रा के दौरान बुंदेलखंड में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 19 नवंबर को भाजपा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने एक बांध की तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि ये बुंदेलखंड को मिलने वाली सौगात भावनी बांध की तस्वीर है। भाजपा सांसद रविंद्र नाथ त्रिपाठी और सुरेश कुमार खन्ना सहित भाजपा सदस्य अनिल कुमार और हिंदू युवा वाहिनी गुजरात के प्रभारी योगी देवनाथ ने भी ये तस्वीर इसी दावे के साथ शेयर की। फेसबुक पेज नरेंद्र मोदी फॉर पीएम ने भी ये तस्वीर पोस्ट की। इस पेज के तकरीबन 3 लाख फॉलोअर्स हैं। बुंदेलखंड को सौगात बताकर पोस्ट की गई तस्वीर असल में श्री शैलम बांध की है। तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च करने पर मालूम चला कि 2014 में डेक्कन क्रॉनिकल ने एक आर्टिकल में ये तस्वीर शेयर की थी। खबर के मुताबिक ये तस्वीर श्री शैलम बांध की है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित कृष्णा नदी पर बना है। वायरल तस्वीर के साथ आर्टिकल में मौजूद तस्वीर का मिलान करने पर ये बात साफ हो जाती है कि ये एक ही तस्वीर है। यानी कई प्रमुख भाजपा नेताओं ने श्री शैलम बांध की तस्वीर पोस्ट करते हुए दावा किया कि ये योगी आदित्यनाथ की ओर से बुंदेलखंड को मिली सौगात है।